आपका एक छोटा सा लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करता है। चिड़िया के पति के मौत के बाद उसको दो वक्त के खाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फिर भी कई कई बार वो और उसका बेटा भूखे पेट सो जाते। मैं तो भूखी सो जाऊंगी, मगर मेरा बेटा कुकू, मैं उसे कैसे भूखा रख सकती हूँ? मैं अभी कालू भैया के पास जाकर कुछ भोजन मांग कर लाती हूँ। कालू भैया, मुझे थोड़ा भोजन दे दे, मेरा बेटा बहुत भूखा है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे चिड़िया बहन, ऐसे ना कहे, कुकू हमारा भी तो बच्चा है, मैं अभी भोजन लाता हूँ। कालू कौवे को रानो चिड़िया पर बहुत दया आती है, क्योंकि जब उसका पति जिंदा था तब वह गरीब ना थे और अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, और आकाश और कालू तो बहुत अच्छे दोस्त थे। ये लो भोजन रानो बहन, और कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना होते तो पता नहीं हम माँ बेटे का क्या होता। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे रानो बहन, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। कालू और चिड़िया ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी। डाल दो डाल दो, घर का सारा राशन ही चिड़िया के घर डाल दो। भीख मांगने की भी एक लिमिट होती है, आ जाती है रोज रोज भिखारियों की तरह मांगने। खबरदार, अगर मेरे घर पे फिर कभी पैर भी रखा तो। ऐसा कहकर गोरी कौवी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रानो चिड़िया सारी रात गोरी की बातों को सोच रही थी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, आखिर कब तक मैं ऐसे मांग मांग कर अपने बेटे का पेट पालूंगी? मुझे कोई और काम ढूंढना होगा जिससे मैं अपने बेटे को भर पेट खाना खिला सकूं। ऐसे वो सारी रात सोचती रहती। फिर सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे मोमोज खाने हैं, जल्दी से मुझे पैसे दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो मोमोज वाला 50 रुपए के 6 मोमोज देता है और मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए है। लेकिन मम्मा, मेरे सारे दोस्त मोमोज खा रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है मोमोज खाने का। ठीक है बेटा, मैं अपने कुकू के लिए घर पर ही मोमोज बनाती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया मोमोज बनाने की सामग्री लाती है और अपने बेटे के लिए मोमोज बनाने लगती है। अरे वाह मम्मा, आपने कितने स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। ये तो बाजार के मोमोज से भी कई गुना स्वादिष्ट है। मम्मा, क्या मैं कुछ मोमोज अपने दोस्तों के लिए भी लेकर जाऊं? ठीक है कुकू, पर जल्दी आना। फिर कुकू कुछ मोमोज अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है। अरे कुकू, ये इतने स्वादिष्ट मोमोज तो किस दुकान से लाया है? यार कबूतर, ये मोमोज मेरी मम्मा ने बनाए हैं। वो बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाती है। झूठा झूठा, कुकू तू झूठ क्यों बोल रहा है? कबूतर, इतने स्वादिष्ट मोमोज इसकी माँ बना ही नहीं सकती, ये जरूर किसी दुकान से लाया है, झूठा कहीं का। फिर कुकू निराश होकर अपने घर आ जाता है। मम्मा, मेरे दोस्तों को मोमोज बहुत स्वादिष्ट लगे, लेकिन कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये मोमोज आपने बनाए हैं। सब मुझे झूठा झूठा कहकर चिढ़ा रहे थे। छोड़ो बेटा, दूसरों की बात पर ध्यान ना दो, आपने तो पेट भर कर मोमोज खाए हैं ना? हाँ मम्मा, आपके मोमोज में बहुत स्वाद है, वो बाजार वाले मोमोज से भी टेस्टी है। क्यों ना हम मोमोज बनाने का काम शुरू कर ले, मैं भी आपका हाथ बटाया करूँगा। अरे कुक्कू बेटा, बात तो आप सही कह रहे हो, पर हमसे मोमोज कौन खरीदेगा? सभी तो उस बड़ी दुकान पर जाकर मोमोज खाते हैं। मम्मा, आप कोशिश तो करके देखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और वैसे भी सर्दियों में हर कोई मोमोज खाना पसंद करता है। फिर वह माँ बेटा मिलकर मोमोज की दुकान लगाते हैं। आइए आइए भैया, मेरे मोमोज भी ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी मोमोज बनाती हूँ मैं। अच्छा, फिर मुझे एक प्लेट मोमोज लगा दें। मोमोज खाकर वो पक्षी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाकई चिड़िया, आपके मोमोज तो बहुत स्वाद है, मुझे एक और प्लेट मेरी पत्नी के लिए पैक कर दें। अब तो मैं हर रोज यहीं से मोमोज खाया करूँगा। धीरे धीरे चिड़िया की मोमोज की दुकान चल पड़ती है। पक्षियों को उसके मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और वह अमीर बन जाती है।
वो गरीब पक्षियों को फ्री में मोमोज भी खिलाती है, जिससे दूसरे पक्षी चिड़िया की बहुत प्रशंसा करते हैं। मम्मा मुझे आज मोमोज खाने हैं, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। हाँ कालू जी, चलिए ना आज मोमोज खाते हैं। आज मेरा भी मोमोज खाने का बहुत मन है। फिर कालू कौवा का परिवार मोमोज खाने चले जाते हैं। कालू कौवा तो रानो के दुकान पर मोमोज खाने रुक जाता है, पर गोरी कौवी कहती है, कालू जी ये क्या, आप इस चिड़िया की दुकान पर क्यों रुक गए? पता नहीं कैसे मोमोज बनाती होगी ये गरीब चिड़िया। मुझे तो उस बड़े से रेस्टोरेंट के मोमोज खाने हैं, इस गरीब चिड़िया के टपरी के नहीं। फिर वो सब एक बड़े रेस्टोरेंट में मोमोज खाने जाते हैं। वहाँ वो सब भरपेट मोमोज खाते हैं। अरे वाह कालू जी, कितने स्वादिष्ट मोमोज है ये, और आप उस गरीब चिड़िया के ठेले के मोमोज खाने थे आपको तो। अरे गोरी, मेरा पर्स कहाँ रह गया? शायद मैं घर ही भूल आया। अब मोमोज के पैसे कैसे देंगे? चील भाई जी, मेरे पति अपना पर्स घर भूल आए हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हम कल सुबह ही आकर आपको पैसे दे जाएंगे। पूरे 500 रुपए के मोमोज खाए हैं तुम लोगों ने। चलो मेरे पैसे निकालो, वरना तीनों लग जाओ रेस्टोरेंट के झूठे बर्तन धोने के काम पर। फिर वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। अरे गोरी कालू, आप लोग यहाँ क्या हुआ? ये चील भाई जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे रानो बहन, हम यहाँ मोमोज खाने आए थे और मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गया। अब हमें यहाँ के झूठे बर्तन धोने पड़ेंगे। अरे अरे कालू भैया, मेरे रहते हुए आप क्यों बर्तन मांजोगे? मैं अभी आपके पैसे दे देती हूँ। ये ले चील भाई। ये रानो चिड़िया के यहाँ से ही मोमोज आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा हुआ ये यहाँ मोमोज देने आ गई, वरना आज तो हमारे रेस्टोरेंट की सफाई मैं तुम सब से ही कराता। ये कहकर चील हंसने लगता है। देखा गोरी, इतने मजे से जो तुम चाट चाट कर मोमोज खा रही थी, वो चिड़िया के ठेले के ही थे। खामखा हमें यहाँ रेस्टोरेंट आकर ज्यादा पैसे देने पड़ जाते। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैंने आपकी हमेशा बेइज्जती की, फिर भी आपने हमारी मुसीबत में मदद की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर अगले दिन से वो हर रोज रानो के दुकान के ही गरम गरम मोमोज खाते और सर्दियों को एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मोमोज खाना पसंद है? तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिल गए। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे, वो बड़ी हंसी खुशी से अपना जीवन बिताते थे। वही पक्षियों में एक रानो चिड़िया भी थी, वो अपनी बहन से मिलने दूसरे जंगल गई हुई थी। दीदी, अब मुझे वापस जाना चाहिए, काफी दिन मैंने आपके पास बिता लिए हैं। रानो, इन दिनों का तो पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद तो मैं उदास हो जाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, अब तुम आना मेरे जंगल में, तुम्हें भी वहाँ बहुत मजा आएगा। अब जाकर मुझे अपने घोंसले की मरम्मत ही करनी है, और इस दफा मौसम का जानकारी देने वाला पक्षी बता कर गया है बरसात का पहले से ज्यादा होने का इम्कान है। अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और फिर रानो चिड़िया अपने जंगल के तरफ सफर शुरू करती है। वो बहुत तेज उड़ रही थी क्योंकि उसे अपने घर को मरम्मत करने की बहुत ज्यादा चिंता थी। जल्द ही वो अपने जंगल में वापस पहुंच जाती है। उसी रास्ते में उसे तोता मिल जाता है। रानो चिड़िया, बहुत दिन लगा दिए तुमने अपनी दीदी के यहाँ। सब पक्षियों ने अपने अपने घर मरम्मत करके मजबूत कर लिए हैं, सिर्फ तुम्हारा ही घर कमजोर है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बरसात भी आज रात से ही शुरू हो जाएगी। क्या बताऊँ तोते भैया, दीदी के यहाँ जाके दिन गुजरने का तो पता ही नहीं चला। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे मेरे घर के मरम्मत का काम भी तो शुरू करना है। और फिर रानो चिड़िया अपने घर के तरफ चली जाती है। मेरा घर तो बहुत कमजोर सा लग रहा है, मुझे सूखी लकड़ियाँ तलाश करनी होगी ताकि उन लकड़ियों से मेरे घर को सहारा मिल सके। फिर रानो चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ढूंढने निकल पड़ती है। वो सारा जंगल फिरती है पर उसे सूखी लकड़ियाँ कहीं नहीं मिलती है। फिर काफी देर के बाद उसे सूखी लकड़ियों का ढेर दिखाई देता है। वो उन्हें उठाने के लिए उनके पास जाती है
तो वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया ये क्या कर रही हो, तुम मेरे लकड़ियाँ क्यों चुरा रही हो? कौवे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये लकड़ियाँ तो यही पड़ी थी और मैं पहले इनके पास आई थी। कमजोर चिड़िया और जुबान इतनी बड़ी, अभी मैंने अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुला लिया तो उड़ने का रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। चिड़िया बेचारी बहुत मासूम थी, वो कौवे की बातों से डर जाती है। वो ये अच्छे से जानती थी कि कालू कौवा झूठ बोल रहा है, वो लकड़ियाँ उस कौवे की नहीं थी। वो फिर भी वहाँ से चली जाती है। अब तो अंधेरा भी होने वाला था। चिड़िया ऐसे ही अपने घर लौट जाती है। सारा दिन इतना उड़ने की वजह से रानो चिड़िया बहुत थक चुकी थी। ऐसे ही रात हो जाती है और चिड़िया सो जाती है। जैसे ही रात थोड़ी गहरी होती है, आसमान पर बादल भी आ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद जोर जोर से गरजते हुए बादल आ जाते हैं और साथ में ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल इतनी जोर से गरजते हैं कि रानो चिड़िया डर कर उठ जाती है। हाय ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा घर तो बहुत जल्द टूट जाएगा, क्योंकि इतनी तेज बरसात तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब मैं क्या करूं? इस समय कहां जाऊं? रानो चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि उसका घर जोर जोर से हिलने लगता है। मुझे घर से बाहर निकल जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर गिर जाए और मैं घर के नीचे ही दब जाऊं। फिर रानो चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। रानो चिड़िया अभी घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर टूट कर गिर जाता है। रानो को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। वो वहाँ से तोते के घर जाती है और जाकर तोते के घर को दस्तक देती है, लेकिन तोता दरवाजा नहीं खोलता। उसे भी शायद पता था कि इस समय कोई पक्षी आसरा ढूंढने के लिए दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दो चार बार दस्तक देने के बाद चिड़िया बुलबुल के घर जाती है, लेकिन बुलबुल भी दरवाजा नहीं खोलती है। वो पूरी रात उस पेड़ के नीचे बैठी हुई रहती है। फिर सुबह हो जाती है। सारी रात बारिश में भीगने की वजह से चिड़िया को ठंड लग जाती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया वहाँ से उल्लू वैद्य के पास जाती है। चिड़िया तुम्हें तो बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी है। उल्लू वैद्य, मैं सारी रात बारिश में भीगती रही हूँ। इस साल मैं अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई थी, जिसके कारण मेरा घर टूट गया और फिर सारी रात बारिश में भीगती रह गई। चिड़िया तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो, सभी की मदद भी करती हो, फिर किसी पक्षी ने तुम्हारी मदद नहीं की? वैद्य, मैं गई थी पक्षियों के यहाँ, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। चिड़िया, ये मेरे शिक्षित जी ने मुझे पानी दिया है, मैं इसमें से थोड़ा तुम्हें देता हूँ। तुम इसे जिस भी फल के पेड़ पर डालोगी, वो पेड़ का एक फल बड़ा हो जाएगा और फिर तुम उसका घर बना लेना। वो घर बहुत सुरक्षित होगा, कैसा भी बड़ा तूफान हो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य। और फिर चिड़िया वो पानी लेकर चली जाती है और चिड़िया वो पानी एक माल्टे के पेड़ पर डालती है। देखते ही देखते माल्टे का एक फल बहुत बड़ा हो जाता है। वो चिड़िया उस माल्टे को अपना घर बना लेती है। बरसात बहुत जोरों से हो रही थी। देखते ही देखते तेज बरसात के कारण सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। अब तो सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सब रानो चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया, हमारा घर टूट गया है, अब इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएं? चिड़िया हमारी मदद करो, जैसे तुम्हारा घर इतना सुरक्षित बन गया है, हमारे भी घर ऐसे ही बन जाए, वरना ऐसी तेज बारिश में हम बीमार पड़ जाएंगे। चिड़िया मेरी भी मदद कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो और मेरे लिए भी ऐसा घर बनवा दो। कौवे, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने किसी के बारे में कोई बुराई अपने दिल में नहीं रखी। आप सब चले मेरे साथ, मैं आप सबको उल्लू वैद्य से वो पानी लेकर देती हूँ, इसे पेड़ पर डालने से उस पेड़ पर घर बन जाता है। और फिर वो सब चिड़िया के साथ उल्लू वैद्य के पास चले जाते हैं।
और फिर चिड़िया के कहने पर उल्लू व जी सब पक्षियों को वो पानी दे देता है। सब पक्षी वो पानी ले जाते हैं और जाकर फलों वाले पेड़ों पर डाल देते हैं और सबके घर बन जाते हैं। और फिर वो सब बरसात के दिन उन्हीं घरों में गुजारते हैं और बरसात के बड़े मजे लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।